हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 123, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 3 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 1 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है, तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन के बारे में। क्या आप जानते हैं, हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। बच्चों, दिव्यांगजन कौन होते हैं? वे लोग जो कि शारीरिक रूप से कुछ अक्षम होते हैं या फिर जिनमें शारीरिक रूप से कुछ कमियां पाई जाती हैं। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए कुछ चित्र लेकर आए हैं। चित्रों को देखकर उनके नाम बोलिए और नाम की पहली आवाज़ को पहचानिए। तो बच्चों, आपके लिए नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको इन चित्रों के नाम बोलने हैं और उनकी पहली आवाज़ को पहचानना है। आइए देखते हैं। पहला चित्र है आम का। किसका है? आम का। तो बताइए कि आम की पहली आवाज़ क्या है? आ। क्या है? आ। आ म आम, ठीक है। ऐसे ही दूसरा चित्र है आग का। किसका है? आग का। तो बताइए कि आग की पहली आवाज़ क्या है? आ। क्या है? आ। आ ग आग। ऐसे ही तीसरा चित्र है आठ का। किसका है? आठ का। तो बताइए कि इसकी पहली आवाज़ क्या है? आ। आ ठ आठ। ऐसे ही अगला चित्र है आलू का। किसका है? आलू का। तो आलू की पहली आवाज़ क्या है? आ। आ लू आलू। ऐसे ही अगला चित्र है आसमान का। किसका है? आसमान का। तो बताइए आसमान की पहली आवाज़ क्या है? आ। आ स मा न आसमान, ठीक है। ऐसे ही अगला चित्र है आकार का। किसका है? आकार का। तो आकार की पहली आवाज़ क्या है? आ। आ का र आकार। वाह बच्चों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। सभी चित्रों के नाम की पहली आवाज़ है आ। आइए देखें कि आ अक्षर कैसे लिखते हैं। तो आ अक्षर लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा अ, और उसके बाद हम खींचेंगे एक सीधी रेखा। तो इस तरह से ये बन जाएगा आ। क्या बन जाएगा? आ। आ अक्षर लिखने के लिए हमने पहले अ लिखा और फिर इस तरह से एक सीधी रेखा को अ के आगे जोड़ दिया। इस सीधी रेखा को हम आ की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? आ की मात्रा। जैसे क जमा आ की मात्रा का, च जमा आ की मात्रा चा। ऐसे ही त जमा आ की मात्रा ता, म जमा आ की मात्रा मा, ठीक है बच्चों। आइए अब कुछ गुनगुनाएं। देखो कितना आम रसीला, छिलका इसका पीला पीला, लगता कितना ताज़ा है, आम फलों का राजा है। देखो कितना आम रसीला, छिलका इसका पीला पीला, लगता कितना ताज़ा है, आम फलों का राजा है। बच्चों, क्या आपने इस कविता में आ की मात्रा को पहचाना? आइए देखते हैं। कितना आम रसीला, रसीला छिलका छिलका, इसका इसका पीला पीला, लगता लगता। ऐसे ही कितना कितना, और ऐसे ही आगे है ताज़ा ताज़ा, ठीक है। आम आम,
फलों का राजा राजा है। बच्चों जिन शब्दों को मैंने सर्कल किया है ये सभी शब्द आ की मात्रा वाले शब्द हैं। अब आ अक्षर लिखने का अभ्यास अपनी कॉपी में लिखकर कीजिए। तो बच्चों अब आपको अपनी कॉपी में आ अक्षर को लिखने का अभ्यास करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको पहले क्या लिखना है, पहले आप लिखेंगे अ और उसके बाद आप उसके आगे इस तरह से एक रेखा को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आ। ठीक है, आइए बच्चों अब आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। ह ह पे आ की मात्रा हा, ह ह पे आ की मात्रा हा, हा थ हाथ। ऐसे ही स स पे आ की मात्रा सा, सा त सात। ब ब पे आ की मात्रा बा, बा ल बाल। न न पे आ की मात्रा ना, ना क नाक। ऐसे ही क क पे आ की मात्रा का, का न कान। प प पे आ की मात्रा पा, पा न पान। द द पे आ की मात्रा दा, दा ल दाल। ठीक है, अगला है च च पे आ की मात्रा चा, चा र चार। हाथ सात, बाल नाक कान पान दाल चार। बच्चों आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।